दोस्तों चैट जीपीटी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट जानकारी अभी के टाइम में दे रहा है। दोस्तों आने वाले समय में हो सकता है यह गूगल को भी बीट कर सकता है। तो आपको अगर यूट्यूब चैनल हो आपका, या स्टूडेंट हैं, या आप कोई जॉब कर रहे हैं, या आपको कोई किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, तो आपके लिए चैट जीपीटी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों चैट जीपीटी को यूज करने के लिए हमको चैट जीपीटी का अकाउंट बनाना होता है। तो आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी अकाउंट बनाने के लिए आप किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद को यहाँ पर टाइप करना है चैट जीपीटी, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पहली वेबसाइट है, आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है, इस वाली वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए इस वेबसाइट को हम ओपन कर ले रहे हैं। दोस्तों इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं ट्राई चैट जीपीटी करके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अपना अकाउंट को बनाना है। तो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ साइन अप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप किसके थ्रू अपने अकाउंट को बनाना चाहते हैं। फिलहाल मैं गूगल से अपने बनाना चाहता हूँ, अपने ईमेल अकाउंट से। तो यहाँ पर देख लीजिए एक गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से भी अपने ईमेल आईडी को फिल करके यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ईमेल बनाना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से ईमेल आईडी को बना सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं जीमेल अकाउंट से अपने इसको साइन अप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कंटिन्यू विथ गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। दोस्तों अगर आप इस प्रोसेस को मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल को डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक करके इस प्रोसेस को आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ही आसानी से आपका साइन अप हो जाएगा। तो आपको यहाँ से अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। अगर फिलहाल कोई दूसरी ईमेल आईडी को आप यूज करना चाहते हैं तो आप नीचे यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके दूसरी ईमेल आईडी से इसको लॉगिन साइन अप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसी ईमेल आईडी का यूज कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगा, क्योंकि तो कुछ दिनों से इस वेबसाइट पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आप में यह थोड़ा सा धीमा खुले। आगे का प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नाम जो भी ईमेल आईडी में आपका रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ से अपने नाम को चेंज करना है तो आप यहाँ से आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी नाम को रख रहा हूँ और यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से अपने व्हाट्सएप नंबर को भी फिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर पहले तो अपना नंबर फिल कर देना, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि डू यू हैव व्हाट्सएप, आपके पास क्या इस नंबर पर व्हाट्सएप है। अगर इस नंबर पर व्हाट्सएप चल रहा है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है, नहीं तो आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है। फिलहाल इस नंबर पर व्हाट्सएप चल रहा है तो मैं यस के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए एक कोड आएगा जो कि आपके व्हाट्सएप नंबर पर आएगा, तो यहाँ से आपको सेंड ए कोड वाया व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपके व्हाट्सएप में आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, वहाँ पर आपको वो कोड मिल जाएगा, तो वो कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा है कि कभी कभी यह सिस्टम जो है कि वो आपको गलत जानकारी भी दे सकता है, तो आपको इसको थोड़ा सा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ट्रांसलेट किया हूँ, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इसका ट्रांसलेट जो हो के आया है,
यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि हमारे पास सुरक्षा उपाय है, सिस्टम कभी कभी गलत या भ्रामक जानकारी उत्पन्न कर सकता है और आपत्तिजनक या पक्षपाती सामग्री का उत्पादन कर सकता है, सलाह देने का इरादा नहीं है। दोस्तों, ये कभी कभी इस प्रकार की जानकारी दे सकता है जो कि आप इस पे सर्च करेंगे, ये 100% हमेशा के लिए नहीं देगा। तो आपको यहाँ नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपको यहां से अपने डाटा को कलेक्ट करके रखना है, कहीं इसको शेयर नहीं करना है। प्लीज़ डू नॉट शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फॉर योर कन्वर्सेशन। तो आपको इसको ध्यान से देखना है और फिर से आपको यहां से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां से डन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लेफ्ट कोने में कई प्रकार के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको लॉग आउट कर सकते हैं। कोई भी अपडेट या जानकारी आएगी तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। अगर आप इसके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका डिस्कॉर्ड सर्वर भी यहाँ पर है। और अगर आप इसको डार्क मोड में करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके डार्क मोड को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो वहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमको जानकारी मिली थी, सेम जानकारी यहाँ पर भी है। यहाँ पर देख लीजिए, जो लिमिटेशन के ऊपर है, आप इसको बारी बारी से इस लिंक पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो आपको अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आपको न्यू चैट के ऊपर क्लिक कर देना है, ऊपर का जो है ये ऑप्शन। दोस्तों, अगर आप चैटिंग के दौरान कोई और चैट को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, न्यू चैट के ऊपर आपको क्लिक करके नए चैट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये नीचे सर्च बॉक्स का ऑप्शन बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करके किसी भी बारे में आप जानकारी इससे ले सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में यह गूगल को भी बीट कर सकता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। दोस्तों, हाई लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, लिख के आ गया, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। दोस्तों, आपको जिस भी प्रकार की मदद चाहिए, जिस भी बारे में जानकारी चाहिए, आप इसको यहाँ आसानी से पूछ सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अभी फिलहाल आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा डेवलप होगा और भी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका चैटिंग जो है वो पूरा हो जाता है और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर कन्वर्सेशन के ऊपर आप क्लिक करके इसको, जो भी चैटिंग आप किए रहेंगे उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, कन्फर्म क्लियर कन्वर्सेशन, आपको इसके ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से वो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर से आप कोई चीज़ टाइप करते हैं तो फिर से आपके सामने आप यहाँ से उससे पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।